कुंभक जो है उसने मुझे मतलब सारी बातों को छोड़ करके जो था वो तो टाइम निकल गया, डिप्रेशन से मैं बाहर निकल चुकी थी। कुंभक में आने से पहले मैंने बहुत मेहनत की है डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, सवेरे 4 बजे उठ करके मेडिटेशन करना, अपने आप को इतना क्योर करना। तो धीरे धीरे मैं मेडिटेशन करके एंग्जाइटी और डिप्रेशन से बाहर आई। फिर भी कभी कभी ऐसा फील होता था समटाइम कि वो अटैक फिर ना आ जाए, फिर वो डिप्रेशन में मैं ना आ जाऊं। तब मुझे मिला कुंभक, और इसके बाद कुंभक मिलने के बाद तो पूरी लाइफ चेंज हो गई। टाइम चेंज हुआ, खाने का टाइम चेंज हुआ, एक लाइफ में बहुत एक प्रिपेयर होता है ना लाइफ की, मॉर्निंग में 3 बजे उठना है, खाना खाना है, वो सारी चीजें आई। और मुझे लगता है कि अभी तो सिर्फ 3 मंथ है, मैं तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये कंटिन्यू 3 साल करूंगी तो मुझे लगता है कि मैं थायराइड से भी बाहर आ जाऊंगी। ये मैं अपने आप से ये प्रॉमिस करती हूँ। और मैं मुझे फील होता है कुंभक करते वक्त भी मुझे फील होता है कि होता है बॉडी में काफी चीजें चेंजेस होती है। जैसे लोग मुझे आजकल बोल रहे हैं क्या फेस इतना ग्लो क्यों कर रहा है, जबकि मेरा खुद का अपना सलोन है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं फेशियल भी नहीं कराती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, फिर भी लोग मुझसे आजकल पूछ रहे हैं कि क्या करवा रही है, इतना ग्लो कर रहा है फेस, पतली कैसे हो रही है, कैसे वेट रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है कैसे। तो मुझे अंदर से फील हो रहा है कि नहीं, चेंजेस तो हो रहा है, 110% चेंजेस हो रहा है। और मैं सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, स्वामी जी को, मेंटोर्स को, सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि कुंभक से आप लोगों ने हमें जोड़ा, और आगे भी मैं जुड़ना चाहूंगी, लाइफ टाइम जुड़ना चाहूंगी, मैं कभी भी कुंभक को छोड़ना नहीं चाहूंगी और हमेशा मैं जुड़े रहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।